रानी पिंगला। हाँ पिया जी। कल मैं तेरे को एक अमर फल दे के गया था। हाँ बिल्कुल। दुनिया में एक ही अमर फल आया है, ना पहले आया ना आगे आवे। अच्छा। जिसे खा के इंसान की उम्र रुक जाती है, यौवन जोबन रुक जाता है जी। आदमी मरता नहीं है, उम्र रुक जाती है। अच्छा पिंगला जी, मैं दरबार में बैठा था, मेरे सामने यमराज आ गया और यमराज ने बोलिया कि भर्तरी आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, आप धर्मात्मा आदमी हो, आपको लेने आया हूं। अरे मैंने हाथ जोड़ कर न्यू कहा कि मैं अपनी रानी पिंगला को बहुत प्यार करता हूं, मुझे दो घड़ी का समय दे, मैं थोड़ा सा वक्त निकाल के तेरे पास आया हूं। हे पिंगला, अगर तूने अमर फल नहीं खाए तो ला, मुझे दे दे, मैं खा लूंगा, यमराज चला जाएगा। पिया जी, हाँ। वो अमर फल तो मैंने खा लिया पिया जी। ए, पिंगला झूठ ना बोले। सच में मेरी मृत्यु होने वाली है। पिया जी आप कैसी बात कर रहे? तू झूठ बोलती है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी पिया जी? तूने नहीं खाया। मैंने वो अमर फल उसी टाइम उसी वक्त खा लिया। ए, पिंगला झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही पिया जी। ले तो एक और खा ले। अरे ले अमर फल खा। इसने एक अमर फल आया दुनिया में, अगर तूने खाया तो ये अमर फल कहां से आया महाराज? हाँ वो अमर फल तो मैंने खा लिया, लेकिन मुझे लगता है ये तो कोई दूसरा है। तेरा भेद खुल गया पापण। कैसा भेद? अपने मुंह से बोल दे के? सुन ले मेरी बात। सच्ची साच बता दे, सच्ची साच सच बता दे तो सुनिए महाराज। हाँ। पेट पाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। अगर खा लिया था तो ये कहां से आया महाराज? ये तो कोई दूसरा नकली लग रहा है मुझे तो। ये किसको दिया अमर फल रानी? किसको दिया अमर फल रानी? साची साच बता दे। अरे पेड़ फाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। पेड़ फाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। रानी पिंगला अपने तर्क अलग अलग दे रही है। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यो कड़ता आया, ये मुझे नहीं पता कहां से आया। यो वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। दिख कसम राम की खाऊं साजने खा लिया हाथों हाथ मने। कसम राम की खाऊं साजने खा लिया हाथों हाथ मने। ये किसने जोड़ी यारी तन्ने? किसने जोड़ी यारी तन्ने? कह दे साची साच मने। मैं ते पति धर्म पे कायम सुथारी नहीं बिगाड़ी जात मने। पति धर्म पे कायम सुथारी नहीं बिगाड़ी जात मने। देख ले पतिव्रता ना देखियो इसी होश है, ये खसम न मार के सती हो जा। पिया जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तेरा यार पकड़ा गया। मेरा यार? हाँ। कैसा यार महाराज? जिसको तूने अमर फल दे के अमर कराना चाहा, उल्टा पप्पन मैंने तेरे को अमर कराना चाहा, तू उसको? मैंने किसी को भी नहीं दिया महाराज। नहीं है कोई तेरा यार? कोई मेरा यार नहीं है। नहीं है कोई यार? नहीं मेरा। रामजादे खड़ा हो, यह कौन है? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा। कोतवाल ने भेद खोल तेरा। तेरे को नानेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलू साजने कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलू साजने कोई सबूत दिखा दे। मेरा सबूत
महाराज है महाराज हम किसे महाराज रानी तेरे का नाम तो फद्दू महाराज आदमी हो रहे। बहुत बड़ी गलती होगी महाराज माफ कर दो। माफी तो मिलेगी पर ये रानी बेबी नाटे है तन्ने देख के। ये कौन है आप कौन हो भाई साहब? ओहो भाई साहब मने फूफा कह दे फिर तेरे उल्टा सारा वेद खुल गया बेबी मुंह तो बख दे आंगले के हांगलू के तू गलत है। कौन है गलत में यो कौन है फिर? एक मिनट इससे बात करने दे। हाँ हाँ जी एक बात बताओ। हाँ जब मैंने तुझे मना करी थी हाँ कि जब तक मैं तुझे महल के अंदर ना बुलाऊं हाँ तो तू आइए मत तो बिना बुलाए क्यों आया? महारानी महाराज ने चार जल्लाद बुलाए और मैं बहुत पीटा मैंने सारी बात बता दी। जो तो इन्हें मेरे बीच में बात हुई थी ना प्यार मोहब्बत वाली वो सारी बता दी। मतलब जो तेरे मेरे बीच की बात है तूने महाराज को बता दी? बता दी सब बता दी सारी बात बता सारी दी बता दी। अब तू मरेगा तू मुझे बचा। बचूंगी मैं भी नहीं तू मुझे बचा। अच्छा होए बिना खोट मरवाया रानी बिना खोट मरवाया रानी मैं मानस गरीब बेचारा मेरी जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। राजा ने मालूम पाटगी राजा ने मालूम पाटगी इब दंड मिले गोरा। अरे इतने दिलाई मोजी लूट अब बन गया तू हत्यारा इतने दिलाई मोजी लूट अब बन गया तू हत्यारा। महारानी एक काम कर सकती हो आप मेरे कैसा साथ में? काम जैसे आपने अपने छोटे देवर विक्रम को मरवा दिया अच्छा ऐसे मेरी जान बचा दो। देवर मेरी बात सुन। हाँ वो तो देवर था जो मेरी बातों में आ गया यो तो बड़े देखा सावे बड़े महाराज है यो नावे देखे मेरी बातों में। त्रिया चरित्र रच के रानी त्रिया चरित्र रच के रानी तू मेरी जान बचा दे। फिर किस तरी हमारी जान बचे कोई ऐसा जत बना दे किस तरी हमारी जान बचे कोई ऐसा जतन बना दे। मैं बता दूं जतन जान बचा दूं जल्लाद गिरफ्तार कर इसको और इसके दिन से टुकड़े करके कुत्तों को खिला दे। समझ में आ रहा है साहब किस्सा बढ़िया लग रहा है धन्यवाद। पिंगला ए पिंगला की बच्ची बोलती क्यों ना अब? महाराज हाँ महाराज मुझे माफ कर दो महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज जो मैंने उस कोतवाल से प्यार किया महाराज। अच्छा तन्ने माफ कर दू मुझे माफ कर दो तन्ने माफ कर दू ये तेरे कारण तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया मेरी पकड़ ली चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया पकड़ ली चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया। परमेश्वर ने बली करी भाई परमेश्वर ने बली करी इन नहीं अमर फल खाया फिर बोलना भी न जा साजन मेरा जी मरने में आया बोलना भी न जा साजन मेरा जी मरने में आया। मृत्यु तो निश्चित है महाराज मृत्यु निश्चित है आज मैं अपनी नजरों से गिर गई महाराज गिरना ही था गिरना ही था। जल्लाद मरना चाहती है इच्छा पूरी कर दे इसको सजाए मौत दी जाती है। मुझे मार दो जल्लाद मार दे जा ओ जल्लाद। नहीं महाराज नहीं मैं तो मजाक कर रही थी महाराज मैं नहीं मरना चाहती महाराज मैं तो आपके साथ में महाराज जीना चाहती हूँ।
लेकिन हम जीना नहीं चाहते। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। और वो मेरा भाई था। आपने मेरे साथ में अग्नि के सामने सात फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर ख्याल रखेंगे। भाइयों माँ पानम दे ने जब सती हुई ना मेरी माँ पानम दे, जब पिता के तरफ सेन की मृत्यु हुई, मेरे हाथ में विक्रम का हाथ देकर ने बोली, रे भर्तृहरि तेरे भाई की आंखें में कदे आंसू ना आ जा। एक रोज मेरा भाई महल के कोने में बैठकर रोने लग रहा। मैंने पूछा, भाई क्यों रोता है? निबला, मन मेरी माँ की याद आ रही है। हे पिंगला, उस दिन ब्याह के लाया था, आज याद आता है वो दिन के जिस दिन ब्याह के लाया, बस उसी दिन तुम्हारा सत्यानाश हो लिया। अरे पिंगला, मैंने उस भाई की आंख निकलवा ली। पिंगला, मृत्यु दंड नहीं, कोई माफ नहीं है। आप बताओ बे सारे, कैसी औरत को माफ कर दूं? हाथ ठा के बताओ। सारे तो नाट है, सब मना करे है। बाबा खड़ो एक बे, खड़ो एक बे। बाबा उरना 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 मेरे को ना। बाबा तू बड़ा आदमी है, के करूं इसका फांसी? फांसी तो भी बड़ी कोई सजा। हे बिंगला, सारा देश कह के तेरी हत्या कर दी जाए, ले एक मौका देता हूं, हम तेरी जान बख्शीश करें। अरे महाराज, एक काम करना होगा। क्या? अगर आप भी उस काम को चाहते केवल हाथ तो उठा दोगे, सुनने के बाद वो काम कर दे, हम माफ कर देंगे। बताइए महाराज सारे। हम तेरी जान बख्शीश करे, मेरे भाई ते मन मिला दे। महाराज ये कैसे हो सकता है? हमारा आज एक मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? तो जल्लाद मेरा हुक्म भी उल्टा फिरा गया आज तक? कदापि नहीं। मार दे। मैं दो पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। दलाल, ए दलाल, इसके चेहरे पे शहद और घी डालना, उज्जैन नगरी के चौराहे पे जाके जमीन में गाड़ देना, और खूनी कुत्ते छोड़ देना। जब ये कुत्ते इसको नोच नोच के खाएंगे, तब इसको पता चलेगा बेगुनाह को कैसे मरवाया जाता है, बेगुनाह को कैसे मरवाया। मेरे कहने से तूने मेरे भाई की हत्या करी थी? बिल्कुल। मेरे कहने से कोतवाल को मारा? जी। मेरे कहने से रानी पिंगला को मार दिया? जी महाराज। अब एक काम कर, मेरे ही कहने से अपनी तलवार निकाल, मेरी गर्दन कलम कर दे, मैं जीना नहीं चाहता। अरे मैं अपने भाई के आंसू नहीं देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब नहीं देख पाया, मैं जीना नहीं चाहता, मेरी मृत्यु कर दे। महाराज अब आपको मरने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? कुछ बचा ही नहीं जीने का। अरे महाराज अभी आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है। कुछ भी तो नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। तो सुनिए महाराज, आज तक मैं एक ऐसे राज को दबाए बैठा हूं महाराज, जिसको सुनकर के तुम्हारे पैरों की जमीन खिसक जाएगी महाराज, ये आसमान डोल जाएगा महाराज। के राज बताओगा भाई, कैसी चीज जगत में के दूसरी पाए ग्रह है ना? कुछ नहीं चाहिए, ये राजपाट धन दौलत किले बावड़ी मिथ्या है सब भाई के बिना। तो सुनिए महाराज, मैंने आपके भाई विक्रम को महाराज मारा नहीं है, बल्कि विक्रम अभी भी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मेरा विक्रम जिंदा है? बिल्कुल। चल झूठ बोलता है, मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करता है। कदापि नहीं। दो आंखें एक कटोरा खून लेकर आया था महाराज, दो आंखें
और खून का कटोरा महाराज, मैं एक जंगली हिरण को मार करके महाराज उसकी दो आंख और खून का कटोरा जंगली हिरण का लेकर के आया था महाराज। आज के बाद पूरी उज्जैन नगरी का राज तेरे को दे दूंगा, अगर मेरे भाई से तू मुझे मिला सकते तो मिला के दिखा। महाराज एक बार मुझे आदेश करो, इसी भरे उज्जैन के दरबार के अंदर आपके भाई विक्रम को हाजिर कर दूंगा महाराज। आदेश नहीं, आज जोड़ कर निवेदन है, मेरे भाई तो मिला दे तो तू ही मेरा राम है। दोनों भाई मिलते हैं भाई। विक्रम तू जिंदा है? और मैं सबन मार के मरूंगा भाई, तेरे पैर पकड़ के माफी मांग लू। ना 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 भाई, तेरी कोई गलती को ना, जब तो तू वो रांड का चक्रम फसर हो तो मन करता पहला गई थी आके काला नाग का देना, अपना चाहे कितना दूध पिला ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे सो पर गंग नवा ले, एक बाण आले की बाण ना जा चाहे चारू वेद पढ़ा ले, और भाई लुगाई अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। सच के भाई। हाँ भाई रे। हाँ माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तन सच्चाई पहचान लई अब ओ क्या भरम दूर तेरा, सच्चाई पहचान लई अब ओ क्या भरम दूर तेरा। राजपाट की ताली ले ले। ना भाई ना, आज के बाद उज्जैन नगरी का राजा वीर विक्रमाजीत। ओ भाई ना, राज तू ही करेगा, बड़ा तू है भाई, तू कर भाई। ओ भाई ना तू कर, ओ भाई कर ले दो चार साल और। सजनो हंसते हंसते किस्सा सुन रहे हो, हमें भी आनंद आ रहा है, आपको भी आ रहा है, लेकिन जो ज्ञान की बात है भी सुननी चाहिए, याद रखने वाली बात। कौन सा साल चल रहा है? यो अंग्रेजों का है ये, हिंदुओं का कौन सा साल है? बड़े बूढ़े बताओगे? 2070 साल के देखे, 80 कितने आगे हम, देखो अंग्रेज तो 23 में पड़े हैं, अपा तो 2080 में पहुंच गए। सालों की गणना उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन वीर विक्रमाजीत को उज्जैन नगरी का राजा बनाया गया। राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। राजपाट सौंप के राजा भर्तृहरि का दिल टूट जाता है कि लोग तेरे पर हंसेंगे, कोई कुछ बात बनाओगा कोई कुछ। कोने में गए, तलवार निकाल कर खुद की गर्दन काटने लगे, पीछे से आके गुरु गोरखनाथ ने हाथ पकड़े, बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। भर्तृहरि महाराज क्या करते हो? के जी मैं, मेरी रानी ने धोखा दे दिया, भाई को मरवा दिया था, भाई आ गया लेकिन दुनिया बात बनाओगी इसलिए मर जाना चाहता हूँ। गोरखनाथ कहते कि पागल मत बनो भर्तृहरि, अपने आप को पहचानो, शंकर भगवान के 9 नाथों में 1 नाथ हो तुम, पृथ्वी पर विचरण करने आए लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह में फंस गए। मैं आया था आपसे मिलने के लिए, 4 दिन तक आपकी प्रतीक्षा करी लेकिन आप राज दरबार में नहीं आए, रानी पिंगला के मोह में उसके पास पड़े रहे। हे राजा भर्तृहरि, आपकी रानी गंदी है, गलत है? नहीं, आपकी रानी पिंगला गंगा जल के समान पवित्र है। जिस गलत रानी को आपने देखा वो तो उसकी परछाई है, ये कोतवाल कोई नहीं, मेरी परछाई था, और ये सारा भ्रम ये सारा खेल गोरखनाथ का रचाया हुआ था। सजनो असली पिंगला को लाके खड़ा कर दिया, और काव्य संकलन में पिंगल नाम की पुस्तक पिंगला ने लिखी थी लोगों, जिसके बिना हर शायरी हर कविता अधूरी है। उसी टाइम जोक दे दिया भर्तृहरि को, उज्जैन से लेके आपके अलवर के सरिस का जंगल में आके बाबा भर्तृहरि ने तप करा। आज भी आप गए होंगे, कौन कौन गया है? क्या बात है, बोली भर्तृहरि महाराज की जय। फिर अमित चौधरी ने चिमटा उठाया, रहा बता दे सांग भर्तृहरि का खत्म होया ही।